नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। छात्रा को उसके ही एक दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी। जब वह नशे में धुत हो गई तो दोस्त उसे लेकर होटल पहुंचा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद छात्रा को आरोपी उसके हॉस्टल के बाहर छोड़कर भाग गया। घटना शनिवार की है। जब छात्रा को होश आया तो वह पुलिस के पास पहुंची। घटना के समय एक अन्य छात्रा भी उसके साथ थी। उसे भी कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाई गई थी, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये एक 3 दिन पूर्व एक यहाँ ऑफिस में आके रिपोर्ट की थी एक युवती ने कि वो और उसकी एक मित्र है महिला, जो कि वो भी नर्सिंग का कोर्स कर रही है, और उसको एक उस महिला मित्र के मित्र ने चौरासी हनुमान मंदिर जो है वहाँ लेके गए थे दर्शन के लिए, और लौट के कुछ कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उसके बाद पड़ाव क्षेत्र में एक होटल में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। यह महिला जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रही है, इसकी रिपोर्ट पर 376 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की पहचान हो गई है और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।